Success is a product of daily habits, not once in a lifetime transformation. आज की पूरी चर्चा इसी कोट से जुड़ी हुई है। अगर आपने भी इस साल जिम मेंबरशिप में अपना पैसा वेस्ट किया है तो फिर आप सही जगह पर आए हैं। वैसे तो ये ऑडियो समरी कोई भी सुन सकता है, क्योंकि आदतों से ही इंसान बनता है, और आज हम आदतों के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन ये खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं, जो जानना चाहते हैं कि आदतें कैसे बनती हैं, जो लोग अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं और एक ऐसा सिस्टम जानना चाहते हैं जिसे वो जानबूझकर अपनी आदतों को बदल सके, जो आपकी इन गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे। ये समरी बनाते वक्त मेरे जीवन में भी कुछ बदलाव आए। इस समरी को रिकॉर्ड करने के बाद मैं रोज जिम जाने लग गई, और मैंने ये सीखा कि गोल से ज्यादा इम्पोर्टेंट ना एक सिस्टम बनाना है। अगर आपका सिस्टम सही है तो गोल्स अपने आप अचीव हो जाते हैं। हर रोज लगातार एक ही चीज करने से ना वो आदत बन जाती है। तो जरा सोचिए, रोज बुरी चीजें करने से वो भी तो बुरी आदतों में बदल जाती है। एटॉमिक हैबिट्स की इस बुक समरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दिया मिश्रा। जेम्स क्लियर की माने तो 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज अच्छी आदतों का निर्माण करने में और बुरी आदतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन क्या है ये 4 लॉज ऑफ बिहेवियरल चेंज? पहला, मेक इट ऑब्वियस। अगर आपको अच्छी आदतें बनानी है तो आदतों को एफर्टलेस बना दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको रोज दवाई लेने की आदत बनानी है तो दवाई को एक ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर आपका हाथ रोज जाता हो। शायद आप इसे अपने टीवी रिमोट के साथ रख सकते हैं, ताकि जब आप टीवी देखने बैठेंगे तो आपको आपकी दवाई आपके सामने दिख जाएगी। टू मेक इट अट्रैक्टिव, अगर आपको जिम जाने की आदत को अट्रैक्टिव बनाना है ना, तो ग्रुप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। इससे आप दूसरे लोगों को सोशलाइज भी कर पाएंगे और एक दूसरे को मोटिवेट भी कर पाएंगे। 3 मेक इट इजी, जिम के बैग को एक दिन पहले से ही पैक कर लीजिए। जितना हो सके अपनी आदतों को आसान करने की कोशिश कीजिए। अगर हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो रोज एक दिन पहले से ही खाना बनाने का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। इससे आप बाहर का खाना कम खाएंगे। 4 मेक इट इमीडिएटली सैटिस्फाइंग, जिम जाने के बाद कुछ ऐसा कीजिए जो आपको पसंद है, जैसे कि आप अपनी फेवरेट चॉकलेट का एक छोटा सा बाइट ले सकते हैं, या फिर जिस दिन आप जिम जाते हैं उस दिन आप आफ्टरनून नैप ले सकते हैं। अगर अच्छी आदतों को रिवॉर्ड देंगे तो बहुत जल्दी वो आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। जेरी सैनफील्ड नामक एक काफी मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है। उन्होंने ये तय किया कि वो रोज 1 घंटे अपने जोक्स लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे उनकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो सके और आगे चलकर वो अपनी फील्ड में एक सक्सेसफुल कॉमेडियन और राइटर बन सके। पर उनसे ये हुआ नहीं। वो एक दिन लिखते तो अगले 2 दिन कुछ नहीं करते। फिर फाइनली उन्होंने ये डिसाइड किया कि जिस भी दिन वो 1 घंटे बैठकर लिखेंगे उस दिन वो कैलेंडर पर डेट को क्रॉस मार्क कर देंगे। अब जिस भी दिन वो लिखने नहीं बैठ पाते उन्हें सामने ही दिख जाता कि आज डेट पर क्रॉस मार्क नहीं है, और ये देखकर वो लिखने बैठ जाते। और ऐसा करते करते उन्होंने अपनी 1 घंटे लिखने की हैबिट को डेवलप किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने अपनी आदत को डेवलप करने के लिए एक इमीडिएट रिवॉर्ड सिस्टम बनाया, जो था कैलेंडर पर क्रॉस मार्क करना। अगर हम रोज 1% भी खुद को बेहतर करें तो 1 साल में हम अपने आप के अंदर एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आगे के एपिसोड्स में हम जानेंगे कि खराब आदतों से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है, कम प्रयास में अधिक परिणाम कैसे मिल सकता है, और ऐसी ही हैबिट से जुड़ी और कई बातें। तो सुनने के लिए सुनते रहिए आगे वाला एपिसोड।